मैं पैदा ही सुंदर हुई थी, डाउनलोड हुए थे। अरे महाराज क्या मस्ती करते हैं, है ना। चलो तो मैंने जहाँ पे गाना रोका था अजीत भैया, वो गाना शुरू करते हैं और हमको आपको आपसे वो वाला गाना सुनना है कि धन बाड़ुए सोना धन बाड़ू हमर पहिला पसंद बाड़ू। लेकिन तू हमरा से ये हमार गावल गाना सुना, उससे पहले डीआरएस से तहार जन ओढ़नी आइल बा, कौन भैया के हरी हरी ओढ़नी, वो तारा सुनावे के पड़ी। देखा हमने की यहाँ का बा कि केहू से नीमक चीनी पहुंचा ले जाला तो ओकरा के वापस देवे के पड़ेला, और ऐसे हम चाहते नहीं कि तू एगो गईबू तो एगो गाय में मार्केट में यह दूगो धाका ही कोई लेवे गाना। एक बात मैं बोलूं, आप गाएं उससे पहले राहुल बाबू को और राजकुमार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया कार्यक्रम कराने के लिए। और यहाँ जे भी लोग आयल बा अनूप बा, ये कोनो बाहर के ऑडियंस नहीं है, ये जितना कैमरा लागल बा, ये जेकरा के यहाँ जे खुद ही गाना के मार्केट करला, गाना बेचेला, ओकरा के यहाँ रिश्तेदार दोस्त जे भी लोग आई, वही टाइप के लोग आई, ये खुद अपने आप में सब लोग कलाकार हैं, ये लोग कलाकार बनाते हैं, ये स्टार मेकर जो बैठे हैं सामने। सही बात है, यहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, इसलिए हम हर एक कलाकार को ये जानना चाहिए कि अपना यहाँ बहुत ज्यादा देर अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने के लिए पूरा मार्केट खाली है, खुला हुआ है। और मैं मानता हूँ मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ, मैं 14 साल से गाना गा रहा हूँ, ढेर दुनिया देखले बनी है, जितना लोग बैठल बनो इस सब लोग के कोई ना कोई कंपनी हो, कोई ना कोई लोग चैनल हो, कुछ ना कुछ हो, मानी ये लोग स्टार बनाते हैं। और जब हम लोग गाना सोचे नहीं थे, अनुपमा तुम तो बहुत छोटी हो हमसे, हम 2006-07 में शुरू किए थे, जिस समय हम लोग गाना नहीं सोचे थे, फर्स्ट एल्बम जिन्स ढीला कर जन बरा सांस लेनी तो ना बरा ये बिजली चाची का हमने के देख ले बनी सोकर पहले। सही बात है, हमारी हिम्मत कैसे कि चाची बैठे कि उनके सामने हम गाएंगे। सही बात है, पहले तो हम उनको सुनेंगे, सुनते आए हमेशा, लेकिन खैर जो आयोजककर्ता का आदेश होगा राजकुमार भैया का, घड़ी नहीं देखे, घड़ी देखने का टाइम पहले था, अब घड़ी देखने का टाइम नहीं, अब सूर्योदय हो जाने दीजिए, क्योंकि सारे कलाकार बैठे हुए हैं, सारे भाई लोग बैठे, किसका किसका नाम लूं सब लोग, लेकिन मेरी नजर गई प्रीति पे। प्रीति कहाँ बैठी हो तुम? एक ऐसी कलाकार जिसका इतना सारा गाना हिट है, बहुत मेहनत करती है, बहुत परिश्रम करती है, उसको वहां बैठाना ये राहुल बाबू उचित नहीं, हमको शोभा नहीं दे रहा है। प्रीति को, एक कलाकार को आप वहां ले जाकर बैठा दिए, और यहाँ पे बाउंसर्स भीड़ लगा रहे हैं, और भी बाहर के लोग भीड़ लगा रहे हैं, ये बेदी व्यवस्था कौन देखेगा? सो उनको प्रीति के तालियां बजाइए, और कलाकारों का आप हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कौन करेगा भाई। और अब महाकाल के हमारे छोटे भाई राहुल, सब लोग बिनी तुनी सारे तो दोस्ती भाई यहाँ पे हैं सब लोग। अनुपमा खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो, जा होना हमने के गार्जियन से आशीर्वाद लो। हम लोग की छोटी बहन निशा और अनुपमा की दोस्त बहन, बहन दोस्त जो कहें, हमारा छोटा भाई राहुल सब डांसर के, हाँ नहीं देखिए एक चीज, एक चीज, अरे हम वो नानू है रे धोनी के, हम छीन के नगावे नहीं, हमारा से लोग गवावे लग गए जबरदस्ती गाइए भैया तब गाते। सबसे पहले अनुपमा, पहले आप गाओ हरी हरी ओढ़नी गाओगे, उसके बाद धन बड़ा हम जवाब देंगे। अरे जरूर जरूर जरूर, हाँ तो पहले तू सब भाई लोग के सारा म्यूजिशियन टीम के हमने के गार्जियन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, साउंड वाले भैया के, अब गाइए हम साथ देंगे और उसके बाद हम गाएंगे। और मेरी बार वालों आदेश मानो मेरी और मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे प्रिंस जी को जिनका जन्मदिन है। अचानक से मुझे उठा लिया गया, मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्या जितनी फीमेल सिंगर हैं ऐसा ही होता है, लोग सोचते हैं कि हम उनके भरोसे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम अपने भरोसे हैं, आप नहीं गवाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमें मंच नहीं मिलेगा। सुनो अनुपमा, हम सबके तरफ से एक बात बोल रहे हैं, उसमें हाँ या ना बताइएगा, अभी जितना लोग स्टेज पर गावेला, लिटरली हम कहे नहीं कि पवन भैया से बड़का सिंगर इंडस्ट्री में क्यों नहीं खे, नहीं खे तो नहीं खे, ओकरा खाते हमारे पवन भैया पक्ष लिया चाहे ना लिया, ओकरा खाते और
खेसारी भाई से ज्यादा मेहनती कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार भी नहीं है। सही बात, ये भी बात सच है। और सुन लीजिए सच्चाई, बात कोई न खा रहा, गोली लगे चाहे छा रहा, जरा लगे कोई लग जाए। स्टेज पर आज जितने लोग गाते हैं उनसे बढ़िया स्टेज पर अनुपमा से बढ़िया कोई नहीं गाता है। स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टूडियो में ये कमजोर गाती है, हमारे सामने कमजोर गाती है, डांटते हैं उसको कई मर्तबा। स्टूडियो में शिल्पी से ज्यादा बढ़िया आज के रेट में कोई नहीं चल रहा है। सही बात है, ये भी सच्चाई है। निशा बैठी हुई है मंच पर, लोगों को कैसे बहलाना है, कैसे मंच को संभालना है, निशा से बढ़िया कोई नहीं कर रहा आज के डेट में, बताइए। तो ये सारी सच्चाई है। हम तो सबसे छोटका कलाकार ही गोदी में रहे, हमार का बटे, हमारा तो जेने रुआ लोग रहे, उन्हें हमारा आशीर्वाद मिलत रहे, जियत रहे। अनुपा के लिए तालियां बजाइए, अनुपा गाएगी उसका बदान बड़ा गाएंगे। नहीं और सच में मैं तो वैसे भी अजीत भैया के फैन कह लीजिए चाहे परिवार कह लीजिए, मैं तो इनका परिवार हूँ। हमारे बीच में चंदन बैठे हैं शायद, अरे चंदन मेरे भाई, विनय भैया, विनय भैया, विनय भैया भी बैठे हुए हैं। और शायद मैं मानती हूँ कि मंच का असली कलाकार जो बिना हारे तीन चार घंटे कंटिन्यू गा सकता है वो चंदन यार। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, और बाकी विनय भैया की तो बातें निराली है। हम लोग तो बिजली चाची हुई, निशा दी हुई, सब लोग। अच्छा सुना एगो शर्त बा, उस शर्त पता ना तारा को मंजूर हुआ कि नहीं। लोग कहते हैं सब डांसर लोग नाची सारा लोग, हां सबको। अरे काजल जी कहां गए भाई? काजल तो उधर ले बड़ी काजल आओ। अच्छा भूख लग गई, खैनी खाता लो अभी, लग गई होई खैनी खाता लो, खैनिया खा ले बता। गावा गावा कर बधन भगवत की काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमारे पमरल बाड़ा माठा फूकी पिया ताड़ा दूध से खजरल बाड़ा। गाना जब हम गईले रही तो धीरज जी के हमनी से बड़ी आस रहे कि गाना, राहुल भैया जब ये गाना रिकॉर्ड भइल रहे तो धीरज जी के हमनी से बड़ी आस रहे, खासकर राहुल भैया के भी, कि गाना जरूर कुछ ना कुछ तो मार्केट में करे। तो उ विश्वास पर, पवन भैया के आस पर हमनी के गाना गईनी, और गाना देखिए सुपर डुपर हिट बा। और ई पवन भैया के संगे गाना गवाए में सबसे बड़ा जन योगदान बा पवन भैया के, हमारा टीम के, मुन्ना बर्मन भैया के पूरा टीम के, जन पहला आइल रहे कि काहे लायल बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर गीले हो कि पकड़ई बात दुख बड़ी होई मोरी मैया ई जयनी र दैया आ जई है भैया जयनी र दैया। और सबके आशीर्वाद रहे जन हमार गाना आइल रहे। हम तो कही ला कि हमके सबके प्यार करेला, कबो कबो झगड़ा होत रहेला थोड़ा बहुत, वो जरूरी हो, लेकिन भैया के साथे गाना आइल रहे कि सैया के बेलल रोटी है कि पहिले से ज्यादा लगीले चाकने कि सुना दुए महीना में बनल बाते की कि नई हर में रहलू तू टूटी टिहरी ससुरवा में लागे के रोटी। फिर से धूम मचावे खातिर हम दोनों जने आवत नहीं सारे गामा हम भोजपुरी से, बड़ा खूबसूरत गाना है रउआ सब सुनी कालो कर फ्रीजर लॉच है, लेकिन आई जौन गाना रउआ सबके रामकृष्णा नगर प्रभारी थाना रवि सिंह जी हमने के बीच में उपस्थित बानी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भैया उठी आए नाम गाना में चार चांद आज ये भी हरा हरा पहने ही है भैया भी है ना कि काहे पीछे पड़ल बड़ा हमारे पमारल बड़ा ये वाला नहीं रुकिए मतलब ये हमेशा रामज्ञा भैया मेरे साथ ही ऐसा करते। मामुआ तो कबो ना सुधरी।